सिमरी महावीर स्थान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के महोत्सव पर आकर्षक शोभा यात्रा निकाला गया। जय शिव की जय जयकार के साथ भक्तों ने परंपरागत खेल का प्रदर्शन कर महावीरी झंडा का परिक्रमा कर पूजा आराधना की। जगह जगह महावीरी पताके फहराने के साथ जय शिव जय श्री राम के उद्घोष के बीच शिव भक्तों ने धार्मिक स्थल का दर्शन समारोह में शामिल होकर पूजा अर्चना की। व्यवस्थापक श्री श्री 108 बाबा संत दास ट्रस्ट के सदस्यों ने जुलूस व झांकी का अगवानी कर भव्य स्वागत किया। ऐतिहासिक विशाल झंडा महोत्सव सिंहवानगा जाले कमतौल सदर बहादुरपुर हनुमान नगर गयाघाट बेनीबाद प्रखंड के श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर प्रशासनिक व आयोजन समिति सदैव तत्पर रहे। प्रखंड बजरंग दल अध्यक्ष जितेंद्र राय व चंदन महाराज आनंद सुमन मुन्ना ठाकुर के नेतृत्व में परंपरागत हथियार के साथ आकर्षक झांकी ने हर हर महादेव राम जी की सेना चली गुंजायमान कर शक्ति प्रदर्शन किया। कोविड को लेकर 2 साल बाद हो रहे महावीरी झंडा उत्सव से राम जानकी पूजा समिति सदस्यों व ग्रामीणों में पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह दिख रहा था। मधुबनी सांसद डॉ अशोक कुमार यादव ने कहा क्षेत्र के लोगों पर भगवान श्री राम व माता दुर्गा की कृपा बनी रहे, महोत्सव में उपस्थित सभी भक्त पुण्य के भागी बने। विधि व्यवस्था को लेकर सीओ चौधरी बसंत कुमार सिंह, आपूर्ति पदाधिकारी सुमित कुमार, थानाध्यक्ष शमशाद आलम खान, एसआई कंचन कुमारी, विधि व्यवस्था प्रभारी सूर्य बली यादव पुलिस बल के साथ जगह जगह तैनात थे। मौके पर जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर, मुखिया दिनेश पासवान, मनोज कुमार सिंह, सरपंच अशोक पासवान, पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव, तमन्ना अंसारी, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अब्दुल कलाम, महासचिव बिमलेश सिंह, पूजा कमेटी के विक्रम कुमार, प्रमोद कुमार साह, कौशल किशोर यादव, नीरज सिंह, चंदेश्वर महतो, रंजीत शर्मा, रामाशंकर गौतम, राम बली सहनी, दिगम्बर ठाकुर, जटाशंकर सिंह, पूर्व जिला परिषद कलीमुद्दीन राही, पूर्व मुखिया अमजद अब्बास, विनोद राम शांति व्यवस्था को लेकर सक्रिय रहे। वही आइए हम आपको महावीर झंडा में शामिल भक्तों के द्वारा लाया आकर्षक शोभा यात्रा की कुछ झलकियां के साथ साथ सुनवाते हैं कि ग्राम पंचायत राग सिमरी के मुखिया दिनेश महतो ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए इस संदर्भ में क्या जानकारी दी। महावीरी झंडा एवं दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है, इसलिए मैं अपने इसमें जो भी कार्यकर्ता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना कीमती वक्त छोड़कर इस पूजा में जो है 2 पल का समय दे रहे हैं, और अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि ये इस रामनवमी को सफल बनाने का जो है कार्य करे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व में जब तक पूरे समाज के व्यक्ति का इसके सहयोग नहीं होगा तब तक इसको सफल बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसमें सभी व्यक्ति अपने निस्वार्थ भाव से इसे झंडा और महावीर झंडा और दुर्गा पूजा का जो आयोजन हुआ है उसको जो है सफल बनाने का ये करेंगे, और दूर दूर से जो भी भक्तजन आए हैं उसका किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं हो। प्रत्येक जगह पे शरबत की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, जैसे हो गया पोस्ट ऑफिस के पास में, ये फोर लाइन के पास दुर्गा मंदिर है वहाँ पे है, ये PNB बैंक के पास वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है उन लोगों को जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इस प्रकार उसका जो है आदर सम्मान में कमी नहीं हो।